अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन है, जन्नत में क्या चीज़ नहीं होगी? जी हाँ, क्वेश्चन है, जन्नत में क्या चीज़ नहीं होगी? इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है परेशानी, यानी जन्नत में परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर दो है, खाना काबा की बुलंदी कितनी है? खाना काबा की बुलंदी कितनी है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 15 मीटर, यानी खाना काबा की बुलंदी 15 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीन है, नमाज का अहम तरीन रुकन कौन सा है? नमाज का अहम तरीन रुकन कौन सा है? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सिजदा। सिजदा ही नमाज का अहम तरीन रुकन है। सवाल नंबर चार है, आबे जमजम नाम किसने रखा? जी हाँ, सवाल है, आबे जमजम नाम किसने रखा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हज़रत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रखा। हज़रत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मस्जिद अक्सा की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है, लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 55 मीटर है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सवाल नंबर नेक्स्ट है, कुफर और इस्लाम की पहली जंग कौन सी थी और कब हुई? तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो पहली जंग थी, जंग हुई थी जंग बदर, और 623 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहन्नम में सबसे ज़्यादा अजाब किन लोगों को होगा? जहन्नम में सबसे ज़्यादा अजाब किन लोगों को होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस सवाल का जो सही आंसर है वो है मुनाफिकीन को और नबियों के कातिल और मकतूल को, वो है मस्जिद अक्सा में आग कब लगी? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1967 ईस्वी, यानी 21 अगस्त को, यानी 1969 ईस्वी और 21 अगस्त को।